हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ द सम और डिफरेंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट ऑफ टू फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन का अवकलज क्या होता है। देखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है आपका, कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। देखिए, इसको लर्न करने का आसान तरीका है। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आपका कॉस एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, और डी बाई डी एक्स ऑफ काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तथा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स है। अब देखें, यहाँ जो भी अवकलन आपका यहाँ है, जैसे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स किससे शुरू है, यहाँ पे सी से शुरू है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आपका सी से शुरू है और ऋणात्मक है, जैसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स सी से शुरू है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। नेक्स्ट देखें, डेरिवेटिव ऑफ दी सम स्पेशल फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दी सम स्पेशल फंक्शन, कुछ विशेष फलनों का अवकलज। जैसे देखें डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स हो जाएगा आपका ए पावर एक्स इंटू लाग ए, डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स, ए पावर एक्स इंटू लाग ए। अगर हम एग्जांपल इसमें ले लें, जैसे एग्जांपल ले लें 10 की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर एक्स इंटू लाग 10, 10 की पावर एक्स इंटू लाग 10, ठीक है। देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, अभी आपने देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या, ए पावर एक्स लागे, इसी के आधार पर इसको भी हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू लाग ई, ई पावर एक्स इंटू गुड़े 1। हम जानते हैं लाग ई का मान क्या होता है, चूंकि लाग ई बराबर 1, ठीक है। फिर देखें डी बाई डी एक्स ऑफ लाग ऑन बेस एक्स क्या होता है यहां पे, 1 अपान एक्स लाग ऑन बेस ए ई, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लाग ऑन बेस ए एक्स, 1 अपान एक्स लाग ऑन बेस ए ई। फिर एक डी बाई डी एक्स ऑफ लाग ऑन बेस ई एक्स क्या होता है, 1 अपान एक्स, ठीक है। ये आपको बताया गया डेरिवेटिव ऑफ दिस सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट बता रहे हैं आपको,
देखो बच्चों, अब हम ये टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन का अवकल गुणांक, संयुक्त फलन का अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलन, संयुक्त फलन का अवकलन सबसे पहले जानेंगे संयुक्त फलन होता क्या है। देखें कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, संयुक्त फलन इफ, यदि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x कोई फलन है, या इसको हम लिख सकते हैं, आपने फलन पहले रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर में पढ़ा होगा, एफ ऑफ g, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ g ऑफ x, एफ ऑफ g ऑफ x, इफ y बराबर एफ ऑफ g ऑफ x, y बराबर एफ ऑफ g x, इसमें f इज फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स, देख रहे हैं f जो है जी एक्स का फलन है, एंड जी एक्स इज फंक्शन ऑफ x, f इज फंक्शन ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे जी f जो है जी एक्स का फलन है, f जी एक्स का फलन है, और जी एक्स किसका है, x का फलन है, दिस टाइप फंक्शन इज, दिस टाइप फंक्शन इज, फंक्शन इज नोन एज, नोन एज कंपोजिट फंक्शन, दिस टाइप फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। देखिए बच्चों, अभी आपने देखा वाई बराबर एफ ऑफ जी एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एफ एक्स, यहाँ एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ जो है जी एक्स का फंक्शन है तथा जी एक्स एक्स का फंक्शन है, दिस टाइप फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन, इस तरह के फलन को हम संयुक्त फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स, log tan x में log tan x, log tan x में log tan x, tan x का फलन है, log tan x इज फंक्शन ऑफ tan x, एंड tan x एंड tan x फंक्शन ऑफ x, यहाँ देखें log tan x में tan x, log tan x में tan x इज फंक्शन ऑफ tan x, किसका फंक्शन है, tan x का, ये पूरा किसका फंक्शन, tan x, और tan x किसका है, x का, इस तरह के फलन को हम संयुक्त फलन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हाँ बच्चों देखें, अभी आपने देखा कि संयुक्त फलन क्या होता है, संयुक्त फलन से हम देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ द कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और चैन रूल, इसको हम फलन का फलन भी कहते हैं और इसको श्रृंखला नियम भी कहते हैं। संयुक्त फलन का अवकल गुणांक क्या होता है, इसको हम आइए ज्ञात करते हैं। लेट लेट वाइज बैलूट फंक्शन, लेट वाई इज रियल बैलूट फंक्शन, कोई वाई एक मानी फलन है, वाई एक मानी फलन है, वास्तविक मानी फलन है, वाई क्या है, वाई एक वास्तविक मानी फलन है, एंड एफ एंड जी आर कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन,
दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन रिटेन एस y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x, एफ ऑफ जी ऑफ x. यदि y कोई वास्तविक मानी फलन है तथा उसमें f और g दो फलन है, संयुक्त फलन है, तो हम y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ x लिख सकते हैं. सपोज जी ऑफ एक्स बराबर टी, जी ऑफ एक्स बराबर टी हो गया आपका. इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे. फ्रॉम फर्स्ट वाई बराबर क्या हो जाएगा, अभी आपने माना जी ऑफ एक्स बराबर क्या माना, टी माना. जी ऑफ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, टी. तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर एफ टी. इसको थर्ड मान लेंगे, ठीक है. यदि एक्स में अल्पवृद्ध डेल एक्स है तो उसके संगत वाई में अल्पवृद्ध डेल वाई होगी तथा उसके संगत टी में अल्पवृद्ध डेल टी होगी. तो लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स टेंडिंग टू एक्स में अल्पवृद्ध डेल एक्स एंड वाई में अल्पवृद्ध डेल वाई एंड टी में अल्पवृद्ध डेल टी होगी, ठीक है. एक्स में अल्पवृद्ध डेल एक्स एंड वाई में अल्पवृद्ध डेल वाई एंड टी में अल्पवृद्ध डेल टी होगी. इसलिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, टी बराबर आपका है जी ऑफ एक्स. एक्स में अल्पवृद्ध क्या है, एक्स में अल्पवृद्ध एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगी और टी में टी प्लस डेल टी इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स. दिस इंप्लाइज दैट टी में अल्पवृद्धि क्या थी, डेल टी. तो टी प्लस डेल टी हो गया, एक्स में अल्पवृद्धि क्या थी, एक्स प्लस डेल एक्स. तो एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका डेल टी बराबर टी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स. टी को ले जाएंगे माइनस टी हो जाएगा. अभी आपने देखा टी बराबर क्या है, जी ऑफ एक्स. तो यहाँ क्या रख देंगे, डेल टी बराबर हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है. इसको मान लेते हैं फोर, इसको मान लेते हैं फोर. देखिए बच्चों, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटा देना, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड y में अल्पवृद्ध क्या थी, डेल y. तो y प्लस डेल y हो जाएगा आपका इज इक्वल टू एफ टी प्लस डेल टी हो जाएगा, ठीक है. तो इसको लिख सकते हैं डेल y इज इक्वल टू, डेल y बराबर प्लस y है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल टी, y इधर जाएगा तो माइनस y. अभी आपने देखा था y बराबर क्या था, एफ ऑफ टी. y बराबर क्या मिला था आपको, एफ ऑफ टी. तो यहाँ रख देंगे तो डेल वाई बराबर आपका हो जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी, ठीक है. इसको मान लेंगे फाइव, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, फाइव मान लेंगे, ठीक है. वी नो दैट, वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, आपने पीछे पढ़ा था अवकल गुणांक की परिभाषा में. तो क्या हो जाएगा, डेल वाई अपान डेल एक्स, डेल वाई अपान डेल एक्स. इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपान डेल टी इंटू डेल टी अपान डेल एक्स, ठीक है. देखिए डेल्टी से डेल्टी कैंसिल करेंगे आपका यही आएगा, ठीक है. आइए आगे देखते हैं, इसको मिटा देंगे, इसको आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है. टू जीरो डेल वाई अपान डेल टी इंटू डेल टी अपान डेल एक्स. दिस इंप्लाइज दैट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड जब डेल एक्स टेंड करेगा जीरो की तरफ तो डेल टी किसके तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ हो जाएगा एंड डेल टी टेंडिंग टू जीरो
लिख देंगे आप क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी इंटू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अभी आपने फाइंड किया था डेल वाई की वैल्यू, डेल वाई की वैल्यू आपने फाइंड किया है, क्या है डेल वाई की वैल्यू, यहां रख देते हैं। देखें डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर ये क्या है आपका फाइव, समीकरण नंबर फाइव से डेल वाई की वैल्यू लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहां पे लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो टी प्लस डेल टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल टी की वैल्यू अभी आपने निकाला था, डेल टी की वैल्यू आपने निकाला था जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको माना था फोर, क्या माना था फोर, डेल टी की वैल्यू क्या एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी एक्स, तो डेल टी की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ डेल टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, क्या मिला था डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, आप पीछे फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने के विधि में आपने सूत्र पढ़ा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा एफ टी इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू जी एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एफ टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। चूंकि अभी आपने देखा था एफ टी बराबर क्या मिला था वाई एंड जी एक्स बराबर क्या मिला था आपको टी, तो रख देंगे दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा, एफ टी के स्थान पे क्या रखेंगे वाई और जी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे टी, तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बटे डी एक्स। तो यही आपका संयुक्त फलन का अवकल गुणांक होता है, संयुक्त फलन का अवकल गुणांक क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करेंगे, इस पर हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये देखिए कैसा फलन, कैसा अवकलन है, संयुक्त फलन का अवकल गुणांक यही है, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है। देखें लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स में sec x प्लस टेन एक्स है फंक्शन और sec x प्लस टेन एक्स इसका फंक्शन है x का। ठीक है, सपोज कर लेते हैं y माना, सपोज y बराबर log sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, एंड अगेन सपोज करेंगे sec x प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट जब आपने देखा सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्या माना है टी, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा वाई बराबर लॉग लॉग टी, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा log sec x प्लस टेन एक्स, सपोज y बराबर log sec x प्लस टेन एक्स, इसको एक मान लिया, अब देख रहे हैं sec x प्लस टेन एक्स बराबर क्या माना t, तो इसके स्थान हमने क्या रख दिया t, तो y बराबर क्या माना log t फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड डिफ्रेंशिएटिंग
फ्रॉम सेकेंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दो के दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टी बराबर हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डी टी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा, अंदर इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, अभी आपने पढ़ा क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं फोर, ठीक है। फ्रॉम थर्ड क्या ले लेंगे, फ्रॉम थर्ड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, तीन के दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वाई बराबर डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी या लॉग एक्स, अभी आपने पढ़ा था क्या होता है, वन अपान एक्स, अभी आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑन एक्स बराबर क्या होता है, वन अपान एक्स, यही पढ़ा है, यही फार्मूला है यूज करेंगे, डी बाई डी एफ लॉग टी तो वन अपान टी क्या हो जाएगा, वन अपान टी, इसको मान लेंगे फ्रॉम फाइव। तभी हमने आपको बताया संयुक्त फलन का अवकल गुणांक क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टू इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी तथा डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, इसको मान लेते हैं सिक्स, इसको मान लेते हैं सिक्स, आइए इसको आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लेंगे, इसको मिटाने जा रहे हैं। अभी आपने देखा फार्मूला बताया गया था पीछे, संयुक्त फलन का अवकल गुणांक क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, हमने यहाँ डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है और यहाँ डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकाली है, इसी में हम रख देते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फोर एंड फाइव, चार और पाँच का मान किस में रखने पर, छः में रखने पर, इन सिक्स, चार और पाँच का मान छः में रख, क्या है, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर आपका t की वैल्यू हम रख देंगे, t बराबर क्या मिला था आपका, sec x माना था प्लस tan x, यही माना था, t के स्थान पे हम क्या रख देंगे, sec x प्लस tan x, t के स्थान पे क्या रखेंगे, sec x प्लस tan x रख दीजिए, तो वन अपान क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x इंटू sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, sec x प्लस
टेन एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे सेक एक्स कामन है, सेक एक्स कामन कर लेंगे, क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, इसकी दो घात थी एक घात बाहर आ गई, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या, सेक एक्स। अभी आपने देखा dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिला, sec x, यही आपका फलन के फलन का अवकल गुणांक होता है। इसी को हम एक दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, इसको नोट कर लें फिर बताते हैं। अभी आपने देखा y बराबर, एग्जाम्पल लिया था y बराबर log sec x प्लस tan x, इसको हम चैन रूल से सॉल्व करते हैं, किससे, श्रृंखला नियम से, किससे, श्रृंखला नियम से, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई इजक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग sec x प्लस tan x। ठीक है, हो जाएगा d y बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ log sec x tan x। देखें ध्यान से, एकदम ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में आएगा, बहुत आसान तरीका ये भी है, d बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस tan x। पहले d बाई डी एक्स ऑफ log x के रूप में जानेंगे, पूरा क्या जानेंगे, log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x, ये पूरा क्या होगा, x होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 अपान x, d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपान x, x के स्थान पर sec x प्लस tan x है, क्या हो जाएगा, sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, देखा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपान एक्स, फिर फलन का फलन है, ये फलन बचा है sec x प्लस टेन एक्स, पुनः इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा वन अपान sec x प्लस टेन एक्स इंटू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x आपने पढ़ा था क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर x, अभी पीछे बताया गया क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, बुरा हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स। अब देखिए यहाँ से sec x क्या है, कॉमन है, sec x क्या है, कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखें तो आ जाएगा आपका sec x कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा sec x बचेगा टेन एक्स प्लस sec x। ठीक है, यहाँ से sec x कॉमन किया, यहाँ टेन एक्स प्लस यहाँ sec x, नीचे क्या आपका sec x प्लस sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, देख रहे हैं ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया आपका, sec x, डी वाई वाई डी क्या आया, sec x। देखिए भी आसान तरीका है, चाहे आप उस तरीके जो पहले इसके बताए गए उससे सॉल्व करें, चाहे इससे हल करें, देखें फिर से एक बार देखने, ये दिया गया है सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, log x, तो क्या आया, वन अपान x, फिर जो फंक्शन बचा है जो x माना है इसका अवकलन पूरा करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया sec x tan x sec square x, फिर sec x आपने कॉमन किया कट गया, क्या आया dy by dx बराबर sec x। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग तैयार करेंगे।